लल्ला का ना 12th कंप्लीट हो गया है, क्या किया जाए? मैं बताता हूँ, लल्ला को जो है मेडिकल का ट्रेनिंग करना है, लेकिन लल्ला का तो इंटरेस्ट भी साथ में है। लल्ला तो अभी छोटा बच्चा है, उसको थोड़ा ना कुछ समझ में आएगा। अच्छा आजकल आप घर पे कैसे? आजकल हम छुट्टी पे हैं, इसलिए घर छुट्टी पे है कि परमानेंट छुट्टी कर दिया गया है? सब पता है हमको, जॉब से निकाल दिया गया है ना। हम जाओ जाओ पहले अपना प्रॉब्लम दे दो, उसके बाद मेरे लल्ला का प्रॉब्लम दे। इस समय एक ही आदमी हमारी मदद कर सकते हैं, वो है गोस्वामी। नमस्कार दोस्तों, बड़े सपनों की बड़ी उड़ान। आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आफ्टर ट्वेल्थ हम लोग अपने लाइफ में किस गोल की ओर मूविंग करें, इस पर विशेष हमारी चर्चा होगी। क्योंकि ट्वेल्थ के बाद जो है आपका करियर जो है वो एक्चुअल में ट्वेल्थ के बाद आपका करियर जो है मूविंग करता है कि हम लोग किस को अपनाएं। आप या तो बहुत सारे सेक्टर होते हैं कि आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, जेई का एग्जाम दे सकते हैं। एक विकल्प आपके साथ ये भी है कि आप यदि आप सिंपल स्नातक करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, स्नातक करते हैं, इनके साथ ही साथ आप सिविल सर्विस की भी तैयारी कर सकते हैं। ये सिविल सर्विस जो है, सिविल सर्विस की आप जब तैयारी करते हैं तो इनके साथ ही साथ आपका एक फलक खुलते ही जाएगी। और इसके लिए गोस्वामी आईएएस एकेडमी आपके लिए एक मददगार सिद्ध हो सकती है। वो इस प्रकार कि जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अब ग्रेजुएशन जो है आपका 4 इयर्स का है, अब आपका यहाँ कोर्स जो है 18 मंथ का है और ये वैलिड आपका जो होगा वो 36 मंथ का होगा। तब तक में आपका दिमाग का फलक खुल जाएगा कि आप स्नातक के साथ साथ जो है आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए आप एक गाइडेंस की जरूरत हो तो गोस्वामी आईएएस एकेडमी उसके लिए आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकती है।